हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में बनाएंगे चीज़ बन। इसके लिए आपको चाहिए फ्रेश कॉर्न, क्रश चीज़, फाइनली चॉप्ड अनियन, ब्लैक पेपर, सॉल्ट फॉर टेस्ट एंड ऑर्गेनो बटर। सबसे पहले हम प्याज को एक बड़े बर्तन में लेंगे, उसमें कॉर्न मिला देंगे। इसके बाद में हम इसमें बटर डालेंगे। ये जो हम फिलिंग बना रहे हैं, ये हम 6 बन के लिए बना रहे हैं। यहाँ हमने अनसॉल्टेड बटर लिया है। अब हम इसमें क्रश करा हुआ चीज़ ऐड कर देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, ये सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें आधा चम्मच ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऑर्गेनो डालेंगे और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट सॉल्ट ऐड करेंगे। अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो सॉल्ट को बहुत कम डालें। यहाँ पे हमारे बटर में सॉल्ट नहीं था, इसलिए हमने हल्का सा चिपटी पर सॉल्ट डाला है। अब इसको हम स्पाइसेस को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम अपने बन लेंगे और उस पर चाकू की सहायता से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कट्स लगा देंगे, जिससे कि इसमें स्क्वायर टाइप में क्रॉस बन जाएंगे, जिसमें हम अपनी फिलिंग भरेंगे। जब हमारे बन पर कट्स लग जाएं, तब हम इसमें अपनी बनाई हुई फिलिंग ऐड करेंगे। फिलिंग को अच्छे से इसमें भरना है। जितनी ज़्यादा फिलिंग होगी, उतना ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा। जो हमने चीज़ और बटर इसमें ऐड करा है, वो सारा मेल्ट हो जाएगा, जिससे कि हमारे बन जो है वो बहुत ही चीज़ी और सॉफ्ट और बहुत ही प्री टेस्ट आएगा इसके अंदर। जब हमारे बन रेडी हो, तब हम इसके ऊपर गार्लिक और बटर का हल्का सा पेस्ट लगा देंगे, जिसके अंदर इसमें गार्लिक की हल्की सी फ्लेवर आ जाएगा। और इसके ऊपर ऑर्गेनो छिड़क देंगे और इसे हम बेकिंग ट्रे में रख देंगे। अब हम अपने बाकी के बंस भी इसी तरह तैयार कर देंगे। अब हम अपनी बेकिंग ट्रे को OTG ओवन में रखेंगे। हमने OTG ओवन को 5 मिनट तक प्री हीट करा था 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब हम इसमें बोथ थ्रोट्स ऑन करके 10 मिनट्स के लिए 150 डिग्री टेम्परेचर पे रख देंगे। 15 मिनट बाद हम देखेंगे तो हमारे बंस एकदम रेडी हैं। हम बेकिंग ट्रे को बाहर निकालेंगे OTG ओवन से और देखेंगे कि हमारा बन जो है उसका कैसा चीज़ीनेस और कैसा बटरी टेस्ट आता उसका। Thank you for watching us. If you haven't subscribed us, then please subscribe us and press the bell icon on all. Look at this, how cheesy it looks.